कंगना रनौत ने खुद पर बनी एक रोस्ट वीडियो को देखकर कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पॉटी भी बाजार में बिकने लायक है। ये बात कंगना रनौत ने कही है अपनी मिमिक करने वाली एक लड़की सलोनी के लिए। आपको बता दें कि सलोनी नाम की एक लड़की है जो कंगना रनौत के ऊपर काफी वीडियोस बनाती है। वो कंगना को रोस्ट करने की कोशिश करती है, कंगना को मिमिक करती है। सलोनी गौर नाम की इस लड़की ने कंगना पर एक वीडियो बनाई जिसमें वो सीरी से बात करती है और बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में पूछती है। तो पहले सीरी प्रियंका चोपड़ा का जवाब देता है, कंगना फिर पूछती है, तो फिर जवाब आता है दीपिका पादुकोण, फिर पूछती है तो स्वरा भास्कर, यामी गौतम, एंड में कंगना का नाम लिया जाता है। कुछ इस तरीके से इस वीडियो में कंगना के ट्विटर के बिहेवियर या उसे आंसर नहीं मिलने पर कंगना जिस तरीके से चिढ़ती है या फिर अपने हिसाब के जवाब नहीं मिलने पर कंगना को गुस्सा आ जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में कही गई है। कंगना रनौत की नजर इस वीडियो पर अब पड़ गई है और इसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने इस लड़की सलोनी गौर को अपनी पॉटी बताया है और कहा है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पॉटी भी बाजार में बिकती है। कंगना आगे लिखती है, मेरी पॉटी के लिए भी एक बाजार है, यहाँ मेरा मतलब तुम्हारे लुक्स से नहीं है, मेरा इशारा मेरे प्रति तुम्हारी सड़ी हुई सोच के प्रति है। इस सूरत में ये मेरे मलमूत्र के बराबर है, इसकी नकल कर बेचने के लिए मैं तुम्हें पूरे मार्क्स देती हूँ, लेजेंड्स की पॉटी भी बिकती है। कुछ इस तरह से कंगना ने इस मिमिक्री करने वाली सलोनी गौर को झाड़ा है ट्विटर पर और कहा है कि तुमने तो मेरी पॉटी भी बेच दी। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि किस तरह से कंगना के ट्वीट से लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस बार कंगना को ये वीडियो देखकर जबरदस्त गुस्सा आया है और इसीलिए उन्होंने सलोनी गौर को इस तरीके से खरी खरी सुना दी। आपको बता दें कि ट्विटर के चलते कंगना काफी सुर्खियों में रहती है और इसी कारण अब उन पर इस तरह के मीम्स, रोस्ट वीडियो, मिमिक्री वीडियोस बनाए जा रहे हैं।